हम सबके अंदर दो भेड़िए लड़ रहे हैं, पहला दुष्ट और दूसरा अच्छा। कौन सा भेड़िया जीतेगा? वही जिसे तुम खाना देते हो। अर्थात हम सबके अंदर अच्छा इंसान भी है और बुरा इंसान भी, लेकिन हम पर वही इंसान हावी हो सकता है जिसको हम बढ़ावा देते हैं और जिसकी हम बात सुनते हैं। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे और दुनिया ने खुशियां मनाई थी, लेकिन अब अपना जीवन ऐसे जीना कि जब तुम मरो तब दुनिया रोए और तुम आनंद मनाओ। अर्थात आप जिन परिस्थितियों में पैदा हुए थे वह आपके हाथ में नहीं थी, लेकिन आप कैसा जीवन जी सकते हो, अपने जीवन को कितना आनंदमय बना सकते हो, वह केवल आपके हाथ में है। मुंह में कम गड़गड़ाहट और हाथ में अधिक बिजली होना बेहतर है। अर्थात इंसान को बड़ी बड़ी बातें कम करनी चाहिए और बातें करने की बजाय अपने काम से खुद को साबित करके दिखाना चाहिए। सुनना सीखो, नहीं तो तुम्हारी जीभ तुमको बहरा कर देगी। कहने का अर्थ यह है कि इंसान को सुनना सीखना चाहिए। अगर वो केवल बोलता ही रहेगा तो ना उसे कभी अपनी गलतियां पता चलेंगी, ना ही वो कभी खुद में सुधार कर पाएगा। वे मरे नहीं हैं जो उन दिलों में रहते हैं जिन्हें वह पीछे छोड़ देते हैं। अर्थात जिंदगी में ऐसे काम करो कि आप लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहो। लोग आपको हमेशा याद करें एक अच्छे इंसान की तरह। जिस पक्षी ने खाना खाया है वह भूखे पक्षी के साथ नहीं उड़ सकता। अर्थात हर इंसान की परिस्थिति अलग अलग होती है। आपके साथ लंबे समय तक वही इंसान चल सकता है जिसकी परिस्थितियाँ आपके समान हो। जवानी की कदर करो, लेकिन बुढ़ापे पर भरोसा रखो। कहने का अर्थ यह है कि जब आप जवान हो तो अपनी ऊर्जा की कदर करो, उसको सही जगह पर इस्तेमाल करो, अपनी जवानी को बर्बाद मत होने दो। लेकिन साथ ही साथ जो बूढ़े लोग हैं उनकी बातें सुनो, क्योंकि उनका अनुभव आपको बहुत कुछ सिखा सकता है और बड़ी बड़ी गलतियां करने से रोक सकता है। बुद्धि तभी आती है जब आप उसकी तलाश करना बंद कर देते हैं और उस जीवन को जीना शुरू करते हैं जो ईश्वर ने आपके लिए चाहा था। अर्थात अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं या फिर किसी भी काम में कुशल होना चाहते हैं तो उस काम को करना शुरू कीजिए, अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। आप उस काम की प्रैक्टिस करते करते खुद एक दिन उसमें इतने ज्यादा कुशल और एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल ज्ञान की बातें करते रहेंगे, उसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो आपको कभी भी बुद्धि नहीं आएगी। हर मीठी जड़ मीठी घास को जन्म नहीं देती। अर्थात जरूरी नहीं है कि जो इंसान हमेशा मीठी बातें करता हो उसका दिल भी उतना ही साफ हो। इसीलिए केवल किसी इंसान की बातों में आकर उस पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। केवल शांति की दुहाई देना काफी नहीं है, शांति से काम लेना चाहिए, शांति से जीना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। अर्थात आप जिस तरह का जीवन जीना चाहते हैं केवल उसकी इच्छा करना और उसकी दुहाई देना ही काफी नहीं होता, आपको वैसा जीवन जीना शुरू करना पड़ेगा। जब इंसान प्रकृति से दूर होता है तो उसका हृदय कठोर होता जाता है। दोस्तों इस प्राचीन अमेरिकी कहावत का क्या मतलब है आप कमेंट करके सबको बताइए। सच बोलने के लिए बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सच्चे हो तो आपको बहुत ज्यादा खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। कल को आज का अधिक उपयोग ना करने दें। कहने का अर्थ ये है कि अपने कल को याद करके अपने आज को बर्बाद ना करें। अपने अतीत में जीना और अतीत की गलतियों को याद करते रहना बंद कर दें। यदि मनुष्य सर्प की तरह बुद्धिमान है तो वह कबूतर की तरह हानि रहित हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो हो सकता है कि वह हानि रहित हो और उन लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर हो जो मूर्ख हैं। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो अपनी बातें दिल में छुपा कर रखते हैं। उनका दिल साफ नहीं होता और वो मौका आने पर आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। आप उस व्यक्ति को नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा हो। अर्थात जो व्यक्ति जानबूझकर अपने जीवन में गलतियां कर रहा हो, आप उसे कितना भी समझा लो वो आपकी बात को नहीं समझेगा। जीवन क्या है? यह रात में जुगनू की चमक है, सर्दियों में गर्म सांस है, उस परछाई के समान है जो घास पर दौड़ती है और सूर्यास्त में खुद को खो देती है। अर्थात कि आपका जीवन आपको बहुत लंबा लगेगा, लेकिन यह बहुत छोटा है, समय काफी सीमित है, तो अपने समय को बिल्कुल भी गंवाना नहीं। हमारे सुख उथले हैं और हमारे दुख गहरे हैं। अर्थात हर इंसान को उसके सुख काफी कम लगते हैं, लेकिन उसका छोटा दुख भी उसको बहुत बड़ा लगता है। और ये हर इंसान के साथ होता है। जब आखिरी पेड़ काट दिया जाएगा, आखिरी मछली पकड़ी जाएगी और आखिरी धारा जहरीली हो जाएगी, तभी हमें एहसास होगा कि हम पैसे नहीं खा सकते। अर्थात इंसान को अपने लालच के परे देखना सीखना पड़ेगा। मनुष्य जिस तरह से प्रकृति का नाश कर रहा है और लालच में अंधा हो चुका है, वह एक दिन इस पूरी धरती को जहरीला कर देगा और उस दिन उसे एहसास होगा कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दोस्तों आशा करता हूँ ये प्राचीन अमेरिकी कहावतें आपको पसंद आई होंगी और इनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके